मी आधीच सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये अधिकारी राजकारणी सगळ्यांची नाव आहेत, उसमें अधिकारी और पॉलिटिशियन सबके नाव आहेत। देखिए इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, ये तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा, लेकिन मैं केंद्र सरकार के पास इसको होम सेक्रेटरी जो इसके कस्टोडियन है उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। उसमें किस तरह के सबूत सामने, और दूसरा सवाल क्या इसको भी कोर्ट के सामने अपने इस पे कार्रवाई की जाए। देखिए कॉन्फरन्स कॉल एखादा असेल, मी मला एकदम लक्षात येत नाही आहे कारण एवढा ये बहुत बड़ा डेटा आहे, लेकिन इसमें जैसा आपने पूछा है उस प्रकार की सारी चीजें इस डेटा में मौजूद है। क्या ये ट्रांसफर रैकेट सिर्फ गृह मंत्रालय को लेकर है या इस रिपोर्ट को इसलिए दबाई गई क्योंकि हर मंत्रालय में इस तरीके के ट्रांसफर के रैकेट चल रहे हैं? अभी जो जानकारी इसमें ये गृह मंत्रालय की ही जानकारी है।